सोया चंक्स के पकौड़े बनाने के लिए एक कटोरी सोया चंक्स को हम गर्म पानी में भिगो देंगे 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट्स बाद ये देखिए ये अच्छे से फूल गए हैं, तो इसका सारा पानी निकाल के हम अलग बाउल में रख लेंगे। और इसके बाद हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे, यानी कि दरदरा कूट लेंगे इस तरह से। लेंगे 2 चम्मच फ्रेश दही, लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1 बड़े चम्मच बेसन, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और चाट मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे। और पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें और ये अच्छे से कोड हो जाएगा। 1 पिंच फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है। और अच्छे से मिक्स करके ऊपर डालेंगे हरे धनिया की पत्ती। उसके बाद तेल अच्छे से गर्म करके और इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और मीडियम से हाई फ्लेम पे हम इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर। सोयाबीन के पकौड़ों को हम इस तरह टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा क्रिस्प बनाने के लिए हम इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप बना के देखिएगा, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही टेस्टी सोया चंक्स के पकौड़े बनके।